हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी टाइम। एंड टुडे आई एम हियर विद क्लास फोर मैथ चैप्टर वन प्लेस वैल्यू एंड नंबर नेम्स। सो इन माय लास्ट वीडियो यू हैव लर्न्ड अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट एंड हाउ टू राइट सिक्स डिजिट नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड हाउ टू नो द place values of each digits. Okay, I explained each and everything in my last video. So this topic was in my last video. Okay, ये मेरी last video में मैंने ये सारा topic आपको समझाया था, place value chart को हम कैसे use करते हैं, उसमें numbers कैसे लिखते हैं और उन सभी numbers में जो digits होते हैं उनकी place value हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये सारा मैंने अपने पिछली video में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। मैंने और भी वीडियोस में डिस्कस किया है कंपेयरिंग नंबर्स कैसे करते हैं चैप्टर वन में और एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू चैप्टर वन। ओके, सो टुडे चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट नंबर यूजिंग एबिकस। ओके, एबिकस में ऑन एबिकस हाउ टू राइट नंबर सिक्स डिजिट नंबर्स आज आपको ये सीखने को मिलेगा कि एबिकस में नंबर्स कैसे लिखते हैं या फिर एबिकस में अगर एक नंबर दिया है उसको हम नॉर्मल वे में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक नंबर कैसे फ्रेम बना सकते हैं एबिकस से। तो ये सिर्फ सब चीज़ें आप आज सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर दैट। ओके, सो लेट्स कम विद मी। सो चिल्ड्रन, आपको कहीं आना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हम अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड नंबर नेम्स में हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है सिक्स डिजिट नंबर्स को एबेकस में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द नंबर 432,675 ऑन एबेकस। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन एबेकस? सी, दिस इज, वी ऑलवेज स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम वंस प्लेस डिजिट। ओके, यहाँ से आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाते हुए स्टार्ट करना है। कभी भी आप अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं या फिर एबिकस में कोई नंबर दिखाते हैं, आपको हमेशा राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है, वंस प्लेस से जाना है आगे और प्लेस वैल्यू जितने भी होंगे वहाँ पर। ओके बच्चों, तो जैसे इसमें सिक्स डिजिट्स हैं, लैक तक है, तो हम लैक तक लिखेंगे। यहाँ पर ये जो एबिकस है ये लैक तक बना हुआ है, तो वंस प्लेस में अभी क्या डिजिट है, फाइव है, तो इसमें फाइव डॉट्स आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, तो ये फाइव डॉट्स आपको दिख रहे हैं। नाउ ऑन टेंथ प्लेस इट इज रिटन 7, सो हाउ वी विल शो दिस 7? वी विल प्लेस 7 डॉट्स हियर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस इज 7 ऑन टेंथ प्लेस। 600 प्लेस, तो अभी यहाँ पे आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, 6 डॉट्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ऐसे हम 6 डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने अगर अपने मैथ्स लैब में दिखा होगा, ओरिजिनल एबिकस दिखा होगा, देखा होगा, तो हम उसमें बॉल्स डालते हैं, ठीक है, या ऐसे राउंड शेप में होता है, उसको हम उसमें इंसर्ट करते रहते हैं जितने भी हमने नंबर्स दिखा डिजिट्स दिखाने हैं, ठीक है। सपोज आपने 6 दिखाना है तो आप 100 में 6 बॉल्स को ऐसे डालेंगे तो वो 600 हो जाएगा। ओके, या 1000 प्लेस वी विल शो 2, सो देर आर 2 डॉट्स ऑन 1000 प्लेस, इट मीन्स वी हैव 2000, सो 10000 पे 3 है, सो दिस इज 30000। ओके, 3 डॉट्स हैं तो 30000 है। अभी लैक में कितना क्या डिजिट है, 4, तो यहाँ 4 डॉट्स हैं, इट मीन्स वी हैव 4 लैक्स। ओके, सो दिस नंबर इज, अगर आपको ये नंबर नहीं दिया है, खाली यही दिया होता है, तो आप इससे भी नंबर बना सकते हैं, 4,32,000 हाउ मैनी डॉट्स वर देयर,
सिक्स है ना, 675. ओके, सो इन दिस वे यू कैन रीड इन बोथ वेज. ओके, अगर आपको नंबर एबेकस में ही खाली रीड करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर एबेकस में शो करना है एक नंबर को तो आप ऐसे दिखाएंगे. चलिए अभी हम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं. ओके किड्स, सो वी हैव नंबर गिवन एंड वी विल हैव टू शो दिस ऑन एबेकस. सो द नंबर इज 530,421. इस नंबर को हम, ये एबेकस बना हुआ है इसमें दिखाएंगे. ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये ओरिजिनल है. अभी हम इसमें एक एक बॉल्स इंसर्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. वंस से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, और अगर लेग तक है तो लेग तक हमको दिखाना पड़ेगा. ओके, तो वंस प्लेस पर आपको क्या डिजिट दिख रहा है? वन. सो वी विल इंसर्ट ओनली वन बॉल. ओके, सपोज यू हैव बॉल, तो हमने इसमें एक बॉल डाल दी. ओके बच्चों, नाउ ऑन टेंस प्लेस इट इज टू. यहाँ भी आप लिख सकते हैं, नीचे भी आपको क्लियर समझ आ जाएगा. यहाँ पे हमने वन लिखा, इधर अब टू लिखा है, तो अभी यहाँ हम टू डॉट्स डालेंगे. ठीक है, टू बॉल्स इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, वन टू. ओके, तो ये हो गया टू टेंस. वी हैव टू टेंस और 20 यू कैन से. नाउ फोर, फोर इज ऑन 100 प्लेस, सो यू कैन राइट फोर हेयर एंड हेयर यू विल शो फोर डॉट्स. ओके, और यू विल इंसर्ट फोर बॉल्स, वन टू थ्री एंड फोर. अंडरस्टूड? सो देर आर 400. नाउ ऑन 1000 इट इज जीरो. जीरो मीन्स नो नीड टू शो एनी डॉट्स, वी विल नॉट इंसर्ट एनी बॉल, कुछ भी हम इसमें दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जीरो है, नो वैल्यू है ना. तो 1000 में जीरो है, इसीलिए हमको कुछ ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे. 10,000 इट इज गिवन 3, सो 3 डॉट्स वी विल शो हियर, 3 डॉट्स, 1 2 3, इट इज 3. ओके, नाउ 5 lakh, सो हेयर वी विल रिप्रेजेंट 5 डॉट्स, 1 2 3 4 and 5. जैसे आप अगर ओरिजिनल एबेकस देखें तो ऐसे उसमें हम कुछ डालते हैं ना, तो ऐसे ऐसे डाल के आप उसमें ऐसे नंबर एक दिखा सकते हैं, तो ये आपको इस तरह का दिखेगा. ठीक है बच्चों, ये खाली है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला है. तो ये नंबर हो गया आपका 530,421. ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट नंबर ऑन एबेकस. सो वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, लेट्स सॉल्व. सो द नेक्स्ट नंबर इज 842,135. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस डिजिट. ठीक है, गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है. फाइव है यहाँ पे, तो आपको वंस में फाइव दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे आप फाइव लिख सकते हैं और यहाँ हम फाइव डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 and 5. ओके बच्चों, तो ये हो गया 5 ones. अंडरस्टूड? नाउ ऑन टेंस प्लेस वी हैव 3 tens, सो हेयर 3 dots, 1 2 and 3, इट इज 3 tens. नाउ 100 वी हैव 100, सो ओनली 1. ओके, इट इज 100. नाउ 2 इज ऑन 1000 प्लेस, सो वी विल रिप्रेजेंट हेयर 2 dots, 2000 हो गया ये. ठीक है, अभी 10,000 पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 दिखाएंगे, 1 2 3 and 4. सो दिस इज 4 40,000. ओके, 4 10,000 मीन्स 40,000 वी हैव. नाउ 8 lakh, सो वी हैव 8 lakh, 8 dots, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 and 8. So it will look like this. ये ऐसा आपको दिखेगा. हमने ये नंबर 8,42,135 को एबेकस में दिखाया, तो ये इस तरह का आपको दिखाई देगा. सो आप किसी भी नंबर को आसानी से एबेकस पे दिखा सकते हैं, और अगर आपको खाली ऐसे बना हुआ है तो आप उसे एक नंबर फ्रेम भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हमें ये नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ ये पिक्चर ऐसे दिया हुआ है, ये नंबर भी नहीं पता, तो हम यहाँ से एक नंबर बना सकते हैं, है ना, कैसे डॉट्स काउंट करके. जैसे लाख में कितना है, 8. तो हाँ, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जब नंबर आप फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है, वंस प्लेस से. जैसे वंस पे 5 है, 5 लिखेंगे, फिर 3, फिर 1, ऐसे ऐसे करके आपका ये नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो दोनों वे से आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और एक नंबर दिया हुआ है उसको एबेकस पे दिखाना है, वैसे भी आ सकता है, दोनों टाइप से. तो ये आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगा, और प्रैक्टिस कीजिए. आपकी टेक्स्ट बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से. तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था कि नंबर्स को एबेकस पे कैसे दिखाते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर लिविंग, एंड वी विल मीट वेरी सून. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.